यह जो औषधीय पौधा आप देख रहे हो, यह है सुदर्शन का पौधा है। और जिन भी महानुभावों को कान में दर्द, ठंड लगने के कारण या दांत दर्द के कारण होता है, उसके लिए आपको कहीं चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुदर्शन का पौधा आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा, या फिर आप घर पर भी गमलों में लगा सकते हो। इसका प्रयोग करने का तरीका है कि इसका सौरस निकाल के उसको गर्म करके दो बूंद जो आपको कान में डालना है, तो उसके बाद 10-15 मिनट में तत्काल आपका जो है कान का दर्द रुक जाएगा। इसके लिए आपको ये पौधा जंगलों में लगा रहता है, और यदि आप घर पे लगाना चाहते हो तो ये पौधा जो आपको नर्सरी के पास, कोई प्राइवेट नर्सरी हो, सरकारी नर्सरी, वहाँ पर यह पौधा आपको मिल जाएगा। इसकी पहचान है कि इसके पत्ते जो होते हैं लंबे लंबाई में होते हैं, वर्तुलाकार, और इसके नीचे जो है एक सलकंद होता है, और उसका वजन लगभग ये देख लो आप 250 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। तो आप देख लीजिए पौधा, और आप इस आपको जो प्रत्येक को घर पे लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्दी के कारण ठंड आ रही है, ठंड के कारण जो है छोटे बच्चों में कान में दर्द शुरू हो जाता है, किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो दांत के दर्द के कारण भी कान में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए ये रामबाण का काम करती है। जय हिंद, जय भारत।